आयजा खान और अयमन मुनीब जो उनके भी हमने पिक्चर्स देखी उनकी, बस वो इस वजह से दे पोस्ट ऑन देयर इंस्टाग्राम, तो फिर उसके साथ मुझे टैग करते हैं, मैं उनकी तरफ भी लोग देखते हैं कि भाई ये बच्चा चेहरा हर किसी के साथ खड़ा होता है, तो फिर वो उनको बड़ा होता है। हाँ, तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ सबसे ज़्यादा शौक था कि इससे मिलना है मुझे? सलमान खान मेरी फैमिली को पसंद था, पहले तो मैं उसको मिला एज अ नॉट सेलिब्रिटी समझ। 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों को दुबई का गोल्डन वीज़ा दिलवाने वाले एक पाकिस्तानी शहरी आज इंडिपेंडेंट उर्दू में मौज़म कुरैशी से मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियालकोट से दुबई का सफ़र और फिर इन 10 सालों में सेलिब्रिटीज़ को गोल्डन वीज़ा दिलवाने में मदद, ये सफ़र कैसा रहा, ये सफ़र कैसे शुरू किया, और गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि एक आम शहरी इसको कैसे हासिल कर सकता है। हम बात करते हैं मौज़म से। सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में पूछते हैं, 10 साल पहले आप सियालकोट से दुबई गए, तो वहाँ से ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस लिए गए, क्या सोच के गए इस नए सफ़र पे? मैं बेसिकली अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए गया, क्योंकि मेरे वालद साहब अल्लाह जन्म वालद साहब नहीं थे, तो भाई बहन हैं दो, तो वो दोनों स्टडी करते थे, तो मैंने घर की जिम्मेदारी ली, तो इस सिलसिले में मैंने बाहर ट्रैवल किया, दुबई गया, तो जाके जो मुझे काम मिला लेबर वगैरह का वो मैं करता रहा मेहनत से लगन से, और अपने अल्लाह पे यकीन रख उम्मीद रखी कि अल्लाह पाक कामयाब करेंगे, तो काफ़ी साल मैं वो जो वर्क था वो करता रहा। तो फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स चेंज होती रही, स्ट्रगल भी चलती रही, चीज़ें चलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अपने जो मैंने दायरा था अपना वो सर्कल रखा हुआ था उसको मैं उससे बाहर नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने 8-10 साल बाद बहुत ज़्यादा कामयाबी दी थी, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्या सोच के गए थे कि आपने वहाँ जाके क्या अचीव करना है? मेरा शुरू से ही और अभी भी हमेशा से यही एम रहा है कि हम प्रदेश में आए एक वहाँ पर एक ऐसा इमेज, ऐसी चीज़ हम करें जिसमें एक पाकिस्तान का इमेज उजागर हो, अच्छा वाला, अच्छा एक इमेज जाए, पॉजिटिव इमेज जाए, जिससे लोगों को ये हो कि यार कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। लेना देना कुछ नहीं, बस ये होता है कि एक हमारे मुल्क का इमेज बुलंद होना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए जहाँ भी आप जाते हो अपनी फैमिली, आपकी ज़ात, आपका शहर, अपना मुल्क होना चाहिए आगे, बाकी चीज़ें तो बाद में है। तो कितनी देर बंदा रह सकता है प्रदेश में, तो जितनी देर भी रहो अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा बंदा काम करे। मैंने शुरू से ही बना के गया हुआ था डेट यू आस फैमिली की सपोर्ट के लिए भी, और ये भी कि यार कोई ऐसा बंदा काम करे, अल्लाह आपकी ड्यूटी तो अल्लाह पाक ने लगानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसमें अपने मुल्क का नाम रोशन, एक मुल्क के लिए काम हो, लोग उजागर, लोग बोलें यार कि बाकी मुल्क के लिए कोई काम बंदा कर रहा है, लोगों नजर आए। परदेश को आपने देश बनाया अपना, तो इसमें ये जो गोल्डन वीज़ा है जो दुबई का, जो आई थिंक सब पाकिस्तानी या इंडियन जो भी है वो लेना चाहते हैं, तो वो उस तरफ कहाँ से गए जो सेलिब्रिटीज़ इतने आपके? जी, वो ऐसा सिलसिला हुआ, मैं एक दिन एक होटल में एक एक्टर के साथ ना पिक्चर लेने गया, उनका नाम है जुनैद खान, वो ड्रामों में आते हैं काल जुनैद खान, वो सिंगर भी रहे हैं। जी जी, तो मैं उनसे एज़ आ बस फ़ोटो लेने गया, तो मैं उनसे पिक्चर वगैरह ली एज आ फ़ैन। मेरी सिस्टर को बहुत ही पसंद थे वो ड्रामों में, तो मेरी बहन ने बोला कि उसके साथ फ़ोटो ले के ना तो मुझे भेजना, अपने दोस्तों को दिखाऊँगी। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको बोला मैं आपको मैसेजेस करता रहता हूँ तो आप रिप्लाई नहीं करते वगैरह, मैंने बोला अभी भी आपको जस्ट सेंड यू मैसेज, तो उन्होंने मैसेज मेरा देखा तो मेरी पिक्चर लगी हुई थी किसी एक वहाँ पर अरेबिक के साथ ना, तो हियाज में ये अरेबिक को ना मैं यहाँ पर एक रॉयल होते हैं से वो इनका वो हिज मिनिस्टर समवेयर, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो बनी थी, तो कहते हैं ओके अगर इफ़ यू हैव रेफरेंस उनके साथ, तो यू नो दुबई गवर्नमेंट ने अभी सलमान खान, तब डेट टाइम आई थिंक गेट शाहरुख खान एक दो बड़े सेलिब्रिटी जिनको गोल्डन वीज़ा 10 साल का मिला था, ओनली सम लोगों को, कुछ साल पहले की ये बात है जब Starting. तो फिर उन्होंने बोला कि आपको इसका पता है ये कैसे देते क्या है, मैं कि मुझे टू बी हॉनेस्टली नहीं आइडिया, मैं किसी से पूछ सकता हूँ। देन मैं वो जिनके पास था मैं उनको जाके पूछा, रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि यार ये ऐसे ऐसे हमारा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, बड़ा एक्टर है, तो वो पूछ रहा था क्या होता है। उन्होंने डिपार्टमेंट में आके बात की कि ये चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, आप पूछो उनसे बना सकते हैं। फिर उनको एक पोर्टफोलियो हमने भेजा डिपार्टमेंट की तरफ से, मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि इस तरह की आपको CV बना के देनी पड़ेगी, लाइक टू शो हु यू आर, लाइक हमारे लिए तो आप एक्टर वगैरह डिपार्टमेंट को बताना है कि भाई आप कौन है, कैसे होता है कैसे। आई हेल्प हिम इन दिस प्रोसेस एंड एवरीथिंग। फिर जब उनका वो वीज़ा वगैरह हो गया वैन एवर ही केम दुबई, तो हमने एक वो वीज़ा की ना वो अरबिक से होता है वहाँ पिक्चर एक खींच के पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम में, तो आई थिंक तब मेरे मुझे नहीं यार कितने हज़ार फॉलोअर थे, तो जब उन्होंने वो पोस्ट की तो वो मुझे टैग किया, मैंशन किया कि थैंक यू मेरी हेल्प वगैरह की, तो उस सिलसिला शुरू हो गया, तो आज तक अभी तक चल रहा है, तो कह लो कि भुगत रहो अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये अब तक कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या
कौन कौन है जिसको आप अभी हंड्रेड से ज़्यादा अलहमदिल्ला जिसमें इंडियन भी शामिल है और बॉलीवुड के बड़े नाम के मैंने काफ़ी लोगों किए थे, ज़रीन खान है, फिर करण वाही है, तो अभी फिर कैरा सिद्धार्थ इनके अभी प्रोसेस में, कुछ लोग तो अभी अंडर चल रहे हैं लेकिन जिन लोगों के हुए तो ये आप लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? लाइक कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ अपने कलीग से नंबर लेके, बिकॉज वो एक फ़ोटो की वजह से दूसरा आया उसने किया फ़ोटो तो वो अभी वो फिर मेरा फेस और चीज़ें सिमिलर होगी तो यू कैन से डैट अभी मेरी मजबूरी बन गई, मैं अल्लाह ने जैसे बनाया मेरी से ना नहीं होती किसी को, मैंने कहा चलो अच्छी बात है किसी का काम होता हो यू हैव टू डू, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, तो मैं इसलिए हर किसी को बोलता हूँ ओके यार भेजो आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो वो सिलसिला चलता चलता आज वो मुझे सब ये कहते हैं जी गोल्डन वीज़ा, हालांकि मेरा इट्स नॉट इवन माई फील्ड मीडिया, लेकिन वो मैं इस चीज़ की वजह से लोगों ने वो मशहूर कर दिया पिक्चर्स लगा लगा के पाकिस्तानी सोशल मीडिया लाइक डेट। अभी जस्ट बिफोर वन वीक आयजा खान और अयमन मुनीब जो उनके भी हमने पिक्चर्स देखी उनकी, बस वो इस वजह से दे पोस्ट ऑन देयर इंस्टाग्राम तो फिर उसके साथ मुझे टैग करते हैं, मैं तरफ भी लोग देखते हैं कि भाई ये बच्चा चेहरा हर किसी के साथ खड़ा होता है तो फिर वो उनको बड़ा होता है। हाँ तो आपका क्या रोल, मतलब आप आगे उनका कितना प्रोसेस है, कितना एवरीथिंग, मतलब शुरू से लेके अप्लाई करने से लेके एंड तक जब वो दुबई आते हैं इवन तो उनके साथ जाके अपनी जगह से मतलब टाइम वे वहाँ निकाल के भी लोस कोई बात नहीं यार वो हर चीज़ में एंड तक करता हूँ, उससे ये होता है कि आपका एक रिलेशन के साथ बिल्ड हो जाता है ताल्लुक, तो वो जब कहते हैं एक बंदा बेलोस काम कर रहा है तो फिर आपके साथ जो उसका ताल्लुक रिलेशन बिल्ड होता है ना वो हमेशा के लिए रहता है, मेन चीज़ होती है कि पीआर कनेक्शन आपकी मजबूत होती है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो हो गई सेलिब्रिटीज़, जो सेलिब्रिटीज़ आपने किए हैं उनका पूरा थ्रू आउट उनका प्रोसेस आपने देखा है, गोल्डन वीज़ा उनको मिले हैं ये हमने देखा है, तो जो आम शहरी कोई वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कुछ बिजनेसमैन करते हैं मुझसे आम शहरी उनको मैं हमेशा हर किसी को अप्लाई करता हूँ, अभी तक कोई बंदा है कोई बंदी अलहमदिल्ला कोई कह नहीं सकती मौजूद ने कभी रिप्लाई नहीं किया, हाँ मैं एक महीने बाद करूँ व्हाटएवर, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर इतना वो फुल हुआ होता है, एवरी वन वांट आपको गाइडेंस चाहते हैं, मैं उनसे नंबर लेके बात करके उनको इवन फ़ोन करता हूँ बात करता हूँ उनसे गाइड करता हूँ कि हाँ आपका हो सकता है आपका नहीं, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट इज़ नॉट हमारे हाथ में नहीं है, उनको अच्छे से प्रोसेस गाइड करना बताना ये भी बड़ी एक बात होती है कि भाई आपको मिस गाइड नहीं करना, कोई पैसे नहीं आपने किसी को देने या आपका आप इस कैटेगरी में नहीं हो आपका नहीं हो सकता भाई आप ना अप्लाई करो, आप ज़ाया नहीं करना पैसे, कुछ लोग होते हैं ना वो पैसे किसी को दे देते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ वेल नोन पर्स कोई ऐसा बंदा हमें मिले जिसका हो, तो कोई भी अप्लाई करता है उसको मैं ऑफकोर्स रिप्लाई करता हूँ बताता हूँ। तो आप हमें बता सकते हैं कि इस गोल्डन वीज़ा का आखिर प्रोसेस क्या है, कितना कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उस क्राइटेरिया में कौन? गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो यू नो यू ऐसा कंट्री जहाँ पर नेशनलिटीज वो बहुत मुश्किल से देते ही नहीं, बल्कि इवन और उन्होंने ऐसी चीज़ निकाली थी कि जो बिजनेसमैन लोग हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं दुबई में इनकी प्रॉपर्टी जो रहते हैं और जो उन्होंने आना जाना होता है जिनको वीज़ा नहीं लगने में मुश्किल होती है शूट के लिए आना होता है, खिलाड़ी हो गए एथलीट्स वगैरह, आई डू आल्सो एथलीट्स पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं नसीम शाह शादाब एवरी मोस्टली बिग नेम्स आई डू, तो वो उनका ये होता है कि फ़ायदा हो जाता है लाइक जब उनके पास वीज़ा आ गया 10 ईयर का तो दे कैन ट्रैवल एनी टाइम किसी वक्त भी, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा कैटेगरी इवन दे गिविंग टू एवरी बर्थ फिर उनको पूरे यूएई को देना पड़ेगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ कैटेगरी ये रखी हुई है कि सेलेब्रिटी कोई भी है ना लाइक मिसाल के तौर पर कोई प्रोड्यूसर है तो उसका अपनी जो फील्ड है ना प्रोड्यूस वो फिल्म में कर रहा है उसके फील्ड में उसका एक अपना एक नाम होना चाहिए, रोल विकीपीडिया स्ट्रांग कोई एक्टर है उसका उस चीज़ में स्ट्रांग होना चाहिए, कोई बिजनेसमैन है उसका बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए विकीपीडिया के मुताबिक कि भाई हाँ ही इज़ एलिजिबल, तो वो प्रोफाइल जब जाती है ना उनको जब सबमिट करते हैं लोग तो वो प्रोफाइल वहाँ टीम बैठ के रिव्यू करती है फिर वो डिसाइड करती है हाँ ही इज़ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो ये तो हो गया कि आपसे रब्ता कैसे करें और प्रोसेस कैसे होगा गोल्डन वीज़ा का, हम बात करते हैं गोल्डन वीज़ा है क्या? ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूएई लोगों को नेशनलिटी और जितना बड़ी इन्वेस्ट करो वहाँ पैदा नहीं देती, इसलिए उन्होंने ये चीज़ निकाली थी कि जो लोग दुबई बहुत उनका आना जाना होता है या वहाँ बिजनेस कर इन्वेस्टमेंट कर रह रहे हैं बहुत पुराने उनको 10 साल के लिए फ़ायदा हो जाए लाइक दे नो नीड टू रिन्यू वीज़ा, जैसे जो वहाँ रेजिडेंट उसको हर 2 साल बाद 3 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है वीज़ा, 10 साल के लिए उनको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो 10 साल बाद ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल है, 10 साल में आपको किसी वीज़े की जरूरत नहीं जब आपका दिल करे टिकट करवाई चलेंगे। तो ये तो हो गया कि ट्रैवल कि आपके लिए ट्रैवल इजी हो गया, बेनिफिट्स काफ़ी हैं लाइक दे कैन स्पॉन्सर एज मच एज दे वांट, मतलब ड्राइवर्स फिर वो कुछ उन्होंने रखनी है घर में मेड्स वगैरह फिर अपनी फैमिली को माँ बाप को हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकता है बच्चों को बीवी बच्चों को इवन अपनी बीवी के माँ बाप को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको भी ये वीज़े के सेम गोल्डन वीज़ा 10 साल का भी होगा।
नहीं मतलब अगर एक शख्स जा रहा है जिसने गोल्डन वीजा, जैसे अभी सेलिब्रिटीज हमारे गए उन्होंने गोल्डन वीजा ले लिया अप्लाई, तो वो उस गोल्डन वीजा से अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली उनके, नो नॉट ऑटोमेटिकली बट दे हैव टू गो दुबई एंड वो उनको वहाँ पर प्रोसेस देखना होता है, मेडिकल करवाना होता है, आईडी फिंगर सब कुछ आए वो सब प्रोसेस तो फॉलो करना होता है, उसके लिए दुबई जाना होता है उनको फैमिली को। लेकिन लेकिन आर्टिस्ट की दूसरी आर्टिस्ट की तरह लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक एक्टर अभी मुनीब भट्ट, ओके नाम होता है, हाँ उन्होंने वीज़ा लिया ना, तो उनकी वाइफ को भी मिला सेपरेटली, तो ही स्पॉन्सर हिज दोनों बच्चों को किया है, तो उसके लिए वो वहाँ से साथ तो ही कैन स्पॉन्सर देम, तो मुनीब के लिए टाइम लगा था, उसकी प्रोफाइल सबमिट हुई थी पहले, वो जब उसके पास आ गया ना, वो अपनी फैमिली को जब मर्जी स्पॉन्सर कर सकता है, नेक्स्ट डे ही सेम डे कभी भी उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका भी प्रोसेस वो पूरे 10 साल के लिए सबके पास 10 साल का होगा, तो और वहाँ रह के भी सारे जो फायदे हैं गोल्ड, इसके ये भी है ना फायदा, लाइक उन्होंने कोई बिजनेस करना है, वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी लेना है, आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, बिजनेस बैंक अकाउंट डॉलर्स में डिरहम्स में, तो फिर उसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको वहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिपेंडेंटली, आपको ये भी यूएई ने अथॉरिटी दी है, आप अपना लाइसेंस बना लो जो मर्जी करो, आप अकेले के, आपको वहाँ किसी अरबी लोकल की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ उसको रखो पार्टनर वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर इतना सब कुछ वो दे रहे हैं तो सेलिब्रिटीज़ का तो हो गया कि वो ट्रैवल ज़्यादा करें उनका, तो बाकी क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि कोई, बाकी अभी उन्होंने इस पर यूएई गवर्नमेंट में फिर वो उन्होंने देते हैं कुछ लाइक जो पढ़े लिखे हैं लाइक इन यूएई कुछ डॉक्टर्स को, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा हुआ है उनकी वेबसाइट पे है, मैंने सर्च गूगल गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी, उनके लिए रखा है कि उनकी डॉक्टर की फील्ड में 10 से 12 साल 15 साल काम होना चाहिए एक्सपीरियंस, और अगर मोस्टली यूएई में है देन इट विल गुड कि भाई वो यूएई में हेल्प कर रहा है, वो यहाँ पर है फिर यूएई देखना यहाँ पर 10-15 साल से है डॉक्टर है नर्स कोई भी है हमें सर्व कर रही है, फिर उसको भी वो एज अ प्रिविलेज देते हैं कि यार ये भी डिजर्व करते हैं करती हैं, तो वहाँ कोई जॉब्स और उसमें भी इजी होता है इस गोल्डन वीज़ा की वजह से। हाँ आपके पास गोल्डन वीज़ा है ना, तो यू आर सेल्फ स्पॉन्सर, आपने जो भी जहाँ जॉब करने का कारोबार करना आपके पास अपना वीज़ा है, आपको कंपनी की वीज़ा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई ऐसी फील्ड है जो जिसके वो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा वहाँ पर जाके गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इंजीनियर्स को भी देते हैं वो, फिर एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ लोग हैं उनको भी देते हैं इंजीनियर्स के लिए, वहाँ पर वो भी रिक्वायरमेंट है, फिर वहाँ पर जिसकी 30 से 35 हज़ार दिरहम सैलरी है उसको भी देते हैं वो, लाइक कोई सीईओ है कोई मैनेजर है कंपनी में उसकी सैलरी 30 हज़ार दिरहम से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है 6 महीने में वो कैन गेट। 6 महीने में सबको 6 महीने में? 6 महीने में सैलरी उसकी मैनेज होनी चाहिए, 35,000-30,000 है। अच्छा, तो प्रोसेस 2 दिन का 1 हफ्ते का काम होता है। आपने 10 साल पहले सियालकोट से दुबई का सफ़र किया, लेकिन उससे थोड़ा पहले आ जाते हैं कि आप यहाँ पे आप क्या आपकी लाइफ थी, क्या पढ़ाई, कैसे बाहर जाना हुआ, क्या वो सोचा आप? मैंने बेसिकली मिडिल किया हुआ है, 8 पास की हुई है, तो मैंने उनको बताया था जैसे मैं क्यों गया था फैमिली के लिए, तो वाले साहब की डेथ के बाद मुझे वो स्टडी जब छोड़ी तो मैं यहाँ पर एक ऑफिस है जहाँ पर मैं सियालकोट में रहता हूँ ना एक गांव में, तो हमारे गांव से थोड़ा दूर है सिटी में, मैं एक दोस्त है उसकी ऑफिस में काम करता था, मेरे साथ पढ़ता होता था, उसके वाला साहब की फैक्ट्री थी, फिर वहाँ से मतलब मैंने 8 साल मैंने वो आई डिड स्ट्रगल मतलब काफ़ी जॉब्स की, उसके बाद जब मैं 17-18 साल जब पासपोर्ट बना मेरा, पासपोर्ट बनने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ आउट ऑफ कंट्री जाने से, मुझे अम्मी ने मशवरा दिया कि दुबई या सऊदी किसी कंट्री ऐसे में जाओ जहाँ पर फ्यूचर बेहतर हो, तो फिर तब मैं एम बना के यार कि जाके ना सेटल होके तो फिर कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें अपने घर वाले का भी का नाम रोशन हो और फैमिली का भी और पाकिस्तान का भी। तो मैंने आपका कहीं इंटरव्यू देखा था कि आपको पैशन है या शौक है सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फीज लेने का, पहले तो था, ये कैसे? पहले था 2013-14-15-16 में जब नया नया गया था, मतलब शुरू से ये हॉबी बनी हुई थी कह लो कि बुरा शौक था। तो ये शौक पाकिस्तान में था या दुबई से? पाकिस्तान में भी था, लाइक मेरे पास सब है जैसे वो गूगल पे होता है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स के नंबर में उनको मैसेज करना है मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, फोटो बनानी है उनके साथ लॉबी में वेट करना, फोटो शूटो बना ली, शौक था वो भी थी, लाइक होता है ना बंदे का पैशन, हाँ मेरी फोटो इस तरह कि लोग बोलेंगे पता नहीं क्या क्या। तो ये 3-4 साल रहा है दुबई में भी कोई आता था पाकिस्तानी टीम जब होटल में ठहरी है, मैंने जाकर होटल में बैठे रहना लॉबी में 3-4 घंटे वेट करना, कोई नीचे आया उसके सेल्फी ले ली, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज हो गया क्योंकि अल्लाह पास आपको बता देते हैं कि आपकी सिमत ये नहीं सिमत, अल्लाह ने वो सिमत बताई है तो अभी चेंज हो गया, अभी तो जाहिर है फोटोज़ का नहीं, अभी उनके साथ बैठे खाना शाना सब कुछ हो जाता है। तो कोई है ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ सबसे ज़्यादा शौक था कि इससे मिलना है मुझे? ऐसा नहीं रहा, बस अपनी हॉबी के लिए एक मछली के लिए मिलता था, कोई नहीं रहा। सलमान खान मेरी फैमिली को पसंद था मेरे, तो मैं उसको मिला एज आ नॉट सेलिब्रिटी समझ के, मैं उसके जब मिला मैं उसको बोला भी कि मैं आपको सलमान भी इसलिए मिला हूँ कि आप मुझे आपकी वो
आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, आपने अपना ब्रांड बनाया बीइंग ह्यूमन, उसके अलावा भी आप बड़े डाउन तो अच्छे हो, मुझे आप इस वजह से पसंद हो, रीज़न आई डोंट वांट, मैं उसको बोला आई डोंट वांट टू से आई एम वाचिंग यू फ्रॉम चाइल्ड हुड, बचपन से देख रहा हूँ आपकी फिल्में मूवी, नो तो वो ही वाज आल्सो हैप्पी कि भाई ऐसे, मैंने कहा इस रीज़न से आपको मिल रहा हूँ ओनली। थैंक यू वेरी मच।